बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, आपके देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो है रिजाइन किया है जी, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या तो अच्छा किया है ना, अच्छा ही किया है। हमारी स्टूडेंट के ऊपर बहुत जुल्म किया है उन्होंने, तो अभी तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। आगे क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होगा। अभी तो शायद मतलब सेनाबाहिनी के हाथ में गया है ना, तो अभी देखा जाएगा सामने क्या होगा। आम आदमी के हिसाब से आप क्या चाहते हैं? हम अभी चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो आगे से ऐसा ना करे स्टूडेंट के साथ, यही चाहेंगे और क्या। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली। बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? नीलफामर डोमर। सर क्या अभी सूचना मिल रहा है आपको बांग्लादेश? बांग्लादेश सुना जो शेख हसीना देश छोड़कर चली गई है, अभी नया गवर्नर वो आपका चार्ज ले लेगा, उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो देश किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तो अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन से रह सकें, चैन से खा सकें, बाल बच्चा लेके इत्मीनान से रह सकें, कोई कानूनी कोई चीज ना आए बस। अभी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या दुकान पाट कैसा खुला है क्या? मैंने कुछ दिन मैंने थोड़ा दिन सुबह से लेकर 5 बजे तक खुला था। आदमी आतंक में है, गांव के आदमी लोग सोचते हैं शहर में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। जैसे देखिए हमारा घर नीलफामरी डोमर है, मेरा बेटी हमको फोन करके बोली अब्बू तुमको आज आने का जरूरत नहीं है, तुम इंडिया में ठहर जाओ। हमने बोला जे नहीं हम घर चले आ रहे हैं, तो तुमको घर आने का जरूरत नहीं है, बंगला बंदा में रेस्ट हाउस है वहां रात को ठहरो, देश का हालत देखो उसके बाद मुख करो। डर है आपके मन में? नहीं हमारा मन में डर नहीं, रास्ता का हालत तो सही नहीं है। मेरा बेटी जब हमको बोली जब अब्बू तुमको आने का जरूरत नहीं है, तुम फुल बंगला बंदा में रेस्ट हाउस में रहो, रास्ता का हालत सही जब होगा तब तुम आओ, तुमको हिंदुस्तान में 2-4 दिन रहना चाहिए था, लेकिन हमने तो आ गया, पासपोर्ट एंट्री हो गया, अब हमको तो हम बांग्लादेश जाने पड़ेगा। क्या घूमने आए थे? हाँ घूमने आए थे।